कॉन्फिडेंस है। और भाई बाकी भाइयों ने भी बहुत बढ़िया प्ले किया, बहुत देखो बेस्ट जीतता है और बेस्ट हमें, ये नहीं कह रहे कि बाकी बेकार है, बाकी ने भी बहुत बढ़िया खेला यार, पर बेस्ट हमें भाई। ये तो जीतने के बाद आएगा लाइव। हां पक्के कोट में पहनियो। हां पहनियो ठीक है। पार्टिकुलर रेडी भाई, जो जनता ने प्यार दिया है ना बढ़िया। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं अंकल आंटी का तो सेट पे हमें भाई। मैं ना कई बार मेरे मन में आई कि पूछ चुकी वो पर शर्म से आ गई कि अब तो स्टार बन गया यार, 25-25 लाख पर हो रहा। मैं पूछ रहा था कि कैश तो कैश की जरूरत है। हम पता है बात अंदर जब बैठे थे मैं मनीषा बेबी का और वो, तो बादशाह आया तो मैंने बेबी का कही कि वहाँ पर ऐसा था कि ना तुम बाहर की बात नहीं कर सकते, और माइक जो लगा रहता ना वो सब सुनता हूँ, बंदे रेडी रहते हैं कि सारा क्या बाहर की बात कर, हम इनको टोके। तो मैंने बेबी का कही, मैंने की बेबी का कही हाँ, मैंने कही मैं तुझे कुछ कहूँगा बोलियो। कैरी मैंने बादशाह से पूछी कि कौन जीता, तो उसने कही बेबी का नंबर एक। और वो मान भी गई होगी बेबी नहीं। चुप। ऐसे था कि ऐसे होता हर बार ऑफर ना कि टॉप थ्री में एक जना ये बोलते कि तुम में से एक जना 10 लाख रुपए लेके निकल जाओ। तो देश प्रदेश सारे जने इकट्ठे हो गए, और मैं तो ये देख रहा हूँ कई भाई अपने हाथों पे टैटू बनवा रहे हैं, कई जने अलग गाड़ियों पे पोस्टर पोस्टर गाड़ी, मेरी बात वो जो 1000 एक गाड़ी वाली वो बात कितनी सीरियसली ली जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। अभी ये भी जो मैंने वर्ड्स बोले इनफ नहीं है, जितना भाई आप लोगों ने मेरे लिए करा बिल्कुल भी इनफ नहीं है, जितना भी बोलूँ उतना कम है। बट थैंक यू जो इतना प्यार दिया और एक तरफा जीत दिला दी, वाइल्ड कार्ड को इतना तुमने वो समझा, दिल से शुक्रिया। और मेरे पापा पूजा भट्ट जी से मिले, कैसा लगा आपको? वहाँ पे आती पहली चीज की मैंने तुझे दिल है कि मानते नहीं भाग के देखी थी करते। वो भी खुश हो गई वो मेरे साथ। आज कल भी कही उसने, कल अपने पापा से, बट मेरा मेरी फिल्म जो है ना मैं चाहती थी आपसे मिले ही, आप दोनों बैठे मेरा दिल खुश हो गया। इन्होंने भी कह दिया, इसकी मम्मी ने कहा मेरा बेटा आपके साये में था एक महीना, भी खुश दरवास्ते में था। आपको कैसे लगा पूजा भट्ट से मिलकर? बढ़िया। और जो मेरे भाई गुड़गांव में, दिल्ली में, मेरे होम टाउन में, मेरे गांव में मेरा वेट कर रहे हैं, कुछ दिनों के गैप के बाद मैं ज़रूर वहीं पे मिलूंगा आप लोगों को। बट अभी जो ये सब प्रोग्राम होते हैं, रियलिटी शो होते हैं, इनके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग।